आपकी हेल्थ मिनिस्टर राजेश तोपे से मीटिंग हुई है, वो मीटिंग का क्या उद्देश्य था, कहाँ पे मीटिंग हुई और आउटपुट में क्या मिला आपको? राजेश तोपे के साथ जो मीटिंग हुई एमपीजे को आज सुबह 10 बजे 14 तारीख के दिन सुबह 10 बजे मालाबार हिल में जो राजेश तोपे साहब का जो बंगला है वहाँ मीटिंग, हमको 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था कि 10 बजे आपकी वहाँ पे मीटिंग है। तो हम जो है सुबह 10 बजे जो है हम वहाँ पहुँचे थे। मीटिंग लगभग हमारी 11:30 बजे राजेश तोपे साहब से सुबह मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर जो है हमने इसके पहले भी जो डिमांड्स रखी थी, हमारे सीनियर्स जो है राजेश तोपे साहब से इसके पहले भी जानला के अंदर मुलाकात हो के तमाम आईजीएम के अपडेट दे चुके थे, और हमारे भी कई बार लेटर हमने राजेश तोपे साहब के पास जो है हमने ट्रांसफ़र किया था, और आज भी हमने जो है ये राजेश तोपे साहब को ये मेमोरेंडम दिया है, और इसके अंदर उनकी ये रिसीविंग कॉपी है। जो सुबह 11:30 बजे हमारी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के हमने गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह की डिमांड रखी कि आईजीएम के अंदर जो है गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, आईजीएम के अंदर जो और भी जो फैसिलिटीज़ जो आईपीएचएस नॉर्म 100 बेड के हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होती है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। राजेश तोपे साहब ने सुबह ही हमको कहा था कि आज जो है आपकी जो डिमांड है, इसके पहले भी जो आपने डिमांड्स की थी, आज जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट की डिमांड है वो आज मैं इंशाल्लाह ताला आज की मीटिंग के अंदर पूरी कर लूँगा। ये इतनी आज हमारी मीटिंग में बात हुई, और हमसे ये कहा कि चलो बाकी जो और बातें जो है वहाँ पे आज मीटिंग है मंत्रालय के अंदर 12:30-1 बजे जो मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर बात करते हैं। राजेश तोपे के बंगले से निकलने के बाद जब आप मंत्रालय गए तो वहाँ पे क्या चर्चा हुई? मीटिंग में हम लोग कुछ लेट पहुँचे, ये मिसकम्युनिकेशन हो गया था। राजेश तोपे साहब जो हमसे कहे कि भाई हमारे साथ निकलो, लेकिन हम लोग वो चीज़ समझ नहीं पाए, और हम लोग अपनी गाड़ी से वहाँ पे पहुँचे तो ये कुछ मंत्रालय के अंदर जो है हम जो है पास वगैरह के नहीं होने की वजह से हम कुछ मीटिंग के अंदर लेट पहुँचे। तो जब लेट हम पहुँचे तो राजेश तोपे साहब ने हमको ये कहा कि भाई तुम लोग कहाँ चले गए थे सुबह में, जो मेरी मीटिंग थी मैं सुबह आप लोग से कहा कि आप लोग मेरे साथ चलें तो आप लोग कहाँ रह गए थे। बहरहाल सुबह मैंने जो आप लोगों से जो वादा किया था, सुबह जो आप लोगों ने जो बात रखी थी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह नहीं, वो मैंने 3 गायनेकोलॉजिस्ट पूना के मेंटल हॉस्पिटल में 6 गायनेकोलॉजिस्ट है वहाँ से 3 गायनेकोलॉजिस्ट आपको भिंडी शहर को दे देंगे, और 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल का दर्जा इसको दे दिया जाएगा, और कुछ DNB वगैरह कोर्सेज वगैरह की बात थी जो आपसे सुबह मैंने बात की थी, तमाम बातें जो है मैंने यहाँ मीटिंग में आज फाइनल कर दी। तो आने वाले कितने दिनों में आपको इम्प्लीमेंट हो सकता है, कितने दिन? गायनेकोलॉजिस्ट के ताल्लुक से तो ये ऐसा है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर गायनेकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, और बाकी जो सिविल हॉस्पिटल वगैरह का है वो सब प्रोसेस होता है। आपके जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स वगैरह देखा जाता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स कैसा है, वो स्ट्रक्चर्स 200 बेड का हॉस्पिटल का है कि नहीं, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के बाद और उसकी रिपोर्ट आने के बाद 200 बेड का हॉस्पिटल वगैरह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जो कि इसके सर्वे जो है MPJ ने जो लगातार 2013 से जो है, जब से जो है 2011 के अंदर गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, जब से हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि ये भिवंडी की पब्लिक के है, भिवंडी के जो आबादी के लिहाज से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, और 2013 के अंदर ये चीज़ पास भी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वो प्रोसेस रुका हुआ था। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मीटिंग के बाद जो है वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत जल्दी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भिवंडी को 200 बेड का मिल जाएगा। भिवंडी IGM को 3 गायनेक मिलने वाले हैं, तो आपकी जो डिमांड पूरी है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये MPJ के लिए बहुत खुशी की मुकाम है आज कि MPJ जो है 2011 से ये लगातार जो है ये कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, और तमाम लेटर्स वगैरह हमने डाले हैं, और MPJ जो है एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, और हम ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लीडर्स और अवाम सब मिलकर जो है IGM को जो है या जो हेल्थ की हालत है जो भिवंडी के अंदर उसको जो है नॉर्मल बनाने के लिए लड़ें, और आज जो है हम जो आज 10-11 साल से जो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं आज उसका एक नतीजा सामने आया है, और ये नतीजा जो है तमाम लोगों के मिलजुल कर ये नतीजा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वगैरह है और MPJ ये सब मिलजुल कर जो आज का जो मीटिंग है उसका असर है ये।